2022 की तैयारी कर रही थी, लेकिन उसके सहयोगियों ने बड़ा रोड़ा अटका दिया है। शायद बंद कमरों में बात बन नहीं पा रही है, इसलिए अब बीजेपी के सहयोगी मीडिया में आकर के खुल करके अपने डिमांड बता रहे हैं। किसी को मंत्री पद चाहिए तो किसी को डिप्टी सीएम की कुर्सी चाहिए। बीजेपी में क्या चल रहा है, क्या होने वाला है और क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही थी, ये तो पता नहीं, लेकिन क्या हो गया ये सबको पता चल गया। जिन पिछड़ी जातियों के नेताओं को गोलबंद करके बड़ा संदेश देने की तैयारी की जा रही थी, वो नेता अब सार्वजनिक तौर पर बीजेपी के सामने अपनी शर्तें रखने लगे हैं। बीजेपी आलाकमान से यूपी के पिछड़ी जाति के कई बड़े नेताओं ने एक के बाद एक मुलाकात की थी। शायद ये संदेश देने की कोशिश की जा रही थी कि बीजेपी पिछड़ों को साथ लेकर चलने वाली है, लेकिन अब पता चला है कि बीजेपी कोशिश तो बहुत कर रही थी, लेकिन पिछड़ी जाति के नेताओं ने जो डिमांड रख दी है उसे पूरी करना बीजेपी के लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकती है। कुछ ही दिन पहले निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की थी, उसके बाद से बीजेपी में कई बैठकें हुई और अब संजय निषाद ने सार्वजनिक तौर पर बता दिया कि उन्हें क्या चाहिए। हमने तो कुछ मांगा नहीं, हमने तो खाली अपने समाज के लिए आरक्षण मांगा, अपने समाज का जो दर्द है रोजी रोटी उनकी हिस्सेदारी मांगा, अपने लोगों का नेतृत्व मांगा, अपने लोगों के अंदर शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के लिए जो कानून बना आरक्षण में मझवार गौंड तुरैया खरवार मेलदार खरोट कोली। अब मैंने उनको इतने ही कहा जो आपकी सामाजिक न्याय समिति कहती है कि 23% आरक्षण में एक खाता है, 27 में एक खाता है, तो 23 में हम लिखे मझवार के नाम से। मैंने तो उनसे कहा कि हमें डिप्टी अपनी सभी बिरादरी को आपने इस प्रदेश में देश में डिप्टी सीएम बना रखा, तो डॉक्टर संजय के चेहरे पर 2022 का चुनाव लड़ो, अभी देखो 18%। मैं सलाह दिया भारतीय जनता पार्टी को, जो वो सीटें देते उसी में हम मंजूर रहेंगे, और जो उन्होंने कहा था पावर देना दिल्ली और लखनऊ में, अभी अगर पावर होता ये अधिकारी बेईमान जो बैठे हुए इनको बर्बाद कर रहे हैं वो मैं 2 मिनट में सही कर दूं। संजय निषाद ने तो सार्वजनिक तौर पर अपनी डिमांड बता दी, लेकिन अभी कई नेता बाकी हैं जो बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं। ओपी राजभर भले ही बीजेपी से अलग हो गए हों, लेकिन अगर किसी तरह मान मनोबल करके बीजेपी इन्हें अपने पाले में कर भी लेती है तो फिर ओपी राजभर भी सिर्फ कैबिनेट मंत्री के पद से मानने वाले नहीं हैं। अगर पिछड़ी जाति का हर नेता बीजेपी से डिप्टी सीएम की कुर्सी मांगने लगा तो फिर बीजेपी के लिए तालमेल बैठाने में लोहे के चने चबाने पड़ सकते हैं। बीजेपी के पास पहले से ही 2 डिप्टी सीएम हैं और कितने डिप्टी सीएम बनाने पड़ेंगे? 150 सीट पर हमने वोट दिलवाया, 125 सीट जितवाया, तब जाकर के ये आज बोलते हैं बीजेपी के लोग कि हमारे बदौलत ओम प्रकाश राजभर, घबराओ नहीं, तुम्हारी नैया तुम्हारी बोर करके तुमको सहित मार डालेंगे, जमीन में दफना देंगे, पता नहीं लगे तुम्हारी नैया का। भाई साने दीजिए चुनाव, हम भी तो खोज ही रहे हैं कि जल्दी चुनाव आ जाए, जनता खोज रही है, जनता इनसे एकदम उब गई है। बीजेपी की तरफ से लगातार बैठकें हो रही हैं और बताया ये जा रहा है कि 22 की तैयारी हो रही है। जिस तरह 17 में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई थी, उसी तरह से 22 में फिर से जीत का इतिहास दोहराएंगे, लेकिन ये इतिहास तो तभी दोहराया जाएगा जब बीजेपी के सहयोगी उसके साथ रहेंगे, पार्टी नेताओं में मतभेद न हो और सब साथ मिलकर काम करें। 22 में बीजेपी के चेहरा योगी आदित्यनाथ ही रहेंगे या फिर कोई और होगा, इस पर कोई कुछ खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। कोई कहता है कि योगी आदित्यनाथ ही चेहरा रहेंगे और कोई कहता है कि केंद्रीय आलाकमान तय करेगा, लेकिन जिस तरह से बैठकों का दौर जारी है उससे पार्टी के अंदर बूथ लेवल तक हलचल है, लेकिन डिप्टी सीएम केशव मौर्य इसे सिर्फ 22 की तैयारी बता रहे हैं। 14 में निकला था, जो 2017 में निकला, जो 2019 में निकला, वही 2022 के लिए निकला है और उसी प्रकार से 2024 के लिए निकलेगा कुछ। तो हम लोग विजय पथ पर जो भारतीय जनता पार्टी की यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है, वह आगे भी चलती रहे, इसको लेकर के एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई। हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री माननीय बी एल संतोष जी उस बैठक को लेने का काम किए और सब लोगों ने अपने बहुत शानदार अच्छे परामर्श दिए, और विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हम 2022 में 2014 दोहराएंगे, 17 दोहराएंगे, 19 दोहराएंगे।
बीजेपी की तरफ से दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बैठकें जारी हैं, सबको साथ लेकर चलने की रणनीति बन रही है। लेकिन अगर सहयोगी इस तरह से बंद कमरों से बाहर आकर अपनी शर्तें सार्वजनिक करने लगेंगे तो फिर समझ लीजिए कुछ न कुछ तो अनबन चल रही है। अब देखना है कि बीजेपी इसे कैसे मैनेज करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। 2022 यूपी विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी अपनी कमर कस चुकी है और अपनी रणनीति को भी साफ कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के नजदीक आते ही राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। एक तरफ जहां सत्ता दल बीजेपी में मीटिंगों का दौर चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में विकास कानून, व्यवस्था, रोजगार जैसे हर मुद्दे पर सरकार को घेरने वाले आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह ने भी 2022 के विधानसभा रण के लिए ताल ठोक दी है और इसकी शुरुआत आम आदमी पार्टी सदस्यता अभियान चलाकर करने जा रही है। 8 जुलाई से 8 अगस्त तक पार्टी यूपी जोड़ो अभियान चलाएगी और 1 करोड़ लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाएगी। 8 जुलाई से 8 अगस्त तक 1 महीने तक पूरे उत्तर प्रदेश में यूपी जोड़ो अभियान चलाया जाएगा और इस यूपी जोड़ो अभियान में प्रत्येक विधानसभा में लगभग 25,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य आम आदमी पार्टी की ओर से रखा गया है। 1 महीने में 1 करोड़ सदस्य पूरे उत्तर प्रदेश में बनाने का लक्ष्य हमने रखा है। आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह ने साफ किया है कि वो सदस्यता अभियान चलाते समय ये भी जानेंगे कि कैसे प्रदेश को विकास की राह पर ले जाया जा सकता है और साथ ही प्रदेश की कानून व्यवस्था, गरीबों को सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे दिलाया जाए, इस पर फोकस करेंगे। 2 जून के अंदर जुलूस में एक नाबालिग बालिका को जबरदस्ती नचाया जाता है, उसका पिता हमीरपुर में थाने थाने पुलिस शिकायत करता है और उसकी FIR दर्ज नहीं होती, कार्रवाई नहीं होती, जिसको इतनी मानसिक प्रताड़ना और यातना झेलनी पड़ी, उसने अपनी जान दे दी। ये उत्तर प्रदेश की सच्चाई। संजय सिंह ने साफ कर दिया है कि वो प्रदेश की जनता के बीच दिल्ली के केजरीवाल सरकार के कामों और मॉडल को लेकर जाएंगे और जनता को विश्वास दिलाएंगे कि अगर प्रदेश की जनता आम आदमी पार्टी को मौका देती है तो उन्हें प्रदेश में दिल्ली जैसा विकास और काम देखने को मिलेगा। इस पूरे सदस्यता अभियान के तहत 403 विधानसभाओं में जहाँ भी हमारे साथी जाएंगे, जहाँ भी हमारा छोटा बड़ा सम्मेलन होगा, उसमें हम दिल्ली के मॉडल की, केजरीवाल मॉडल की और इन सारे प्रयासों की जो हमने दिल्ली में करके दिखाया है, हम उस सपने को कैसे उत्तर प्रदेश में पूरा कर सकते हैं, इसको भी बताने का काम करेंगे। 2022 यूपी विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी अपनी कमर कस चुकी है और अपनी रणनीति को भी साफ कर दिया है। अब देखना ये होगा कि क्या जो लक्ष्य लेकर आम आदमी पार्टी चल रही है वो हासिल कर पाएंगे या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। कोरोना काल में मौत के आंकड़ों को लेकर के RTI से जो जानकारी सामने आई है, उसके बाद सरकार पर कैसे सवाल खड़े हो रहे हैं और सियासी हमले भी तेज हो गए हैं। देखिए रिपोर्ट। कोरोना काल में फरेब की कहानी, मौत के आंकड़ों में सरकारी बाजीगरी, RTI से मिली जानकारी से बड़ा खुलासा, मौतें दिखाई कम, सर्टिफिकेट ज्यादा। यूपी में कोरोना की दूसरी लहर से तबाही का मंजर सबने देखा है। सिस्टम की सुस्ती ने संक्रमण के प्रकोप को न केवल बढ़ा दिया था बल्कि मौतों का सिलसिला भी इतना ज्यादा था कि शमशान में पैर रखने तक की जगह नहीं थी और शुरू से ही मौत के आंकड़ों पर बाजीगिरी की बात सामने आ रही थी। लेकिन RTI से जो खुलासा हुआ है उसके बाद अब उन बातों पर मोहर भी लग गई है। जुलाई 2019 से अप्रैल 2020 तक का आंकड़ा, सरकारी आंकड़ों में 5,78,000 मौतें दर्ज हुई। जुलाई 2020 से अप्रैल 2021 तक का आंकड़ा, इस बीच 8,47,000 डेथ सर्टिफिकेट जारी हुए।
इसी बीच में 2,69,000 से ज्यादा डेथ सर्टिफिकेट बने। यूपी में 22,282 मौतें कोरोना से दर्ज हुई। लखनऊ में 7 गुना ज्यादा बने मृत्यु प्रमाण पत्र। पर्देदारी की बातों के साफ होने पर पॉलिटिक्स भी तेज हो गई है और अब विपक्ष सरकार से सीधे सवाल कर रहा है। कोरोना को लेकर जितनी लापरवाही की गई मुख्यमंत्री के स्तर पर, ये कहा जाना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कि दिखाइए मत, टेस्टिंग कम हो, जिससे ये लगे कि उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य होते हुए भी इसमें संख्या कम है। मतलब एक एक जिले में जितने लोग मरे एक एक दिन में वो दिखाई नहीं है। ये कहा कि कोरोना से नहीं, मैं अन्य बीमारियों से मरे और सब कोरोना से मरे। मतलब केवल 23,000 लोग दिखाए इन्होंने उत्तर प्रदेश में, 23,000। ये मौत के आंकड़े हैं 15 लाख से 17 लाख के बीच। अखिलेश जी की गाड़ी डिरेल्ड हो गई है और वो फ्रस्ट्रेटेड है। इस तरीके की बयान देकर के सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं। जनता अच्छी तरह जान चुकी है कि अब उनका कोई रास्ता यहाँ पर नहीं है। सरकार किसी मदद को मुहैया करने के स्थान पर जो ये आंकड़ों की जादूगरी कर रही है, इकोनॉमी कोलैप्स को एक्सेप्ट नहीं कर रही, पैंडेमिक के मिसहैंडलिंग को एक्सेप्ट नहीं कर रही, अपनी विफलताओं और नाकामियों की जिम्मेदारियां नहीं ले रही, तो इससे दुखद क्या हो सकता है? और प्रदेशवासियों के लिए इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण सरकार ना हुई है इतिहास में और ना भविष्य में कोई होगी। पहले तो कोरोना कंट्रोल में सिस्टम फेल रहा, फिर झूठे आंकड़ों से पर्देदारी की गई, जिसकी पोल अब खुल गई है और ये साफ हो गया है कि कैसे सच को छिपाया गया। मौतें रोकने से ज्यादा आंकड़ों की बाजीगरी पर पूरा बल लगा दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। भले ही दावे विकास के तमाम किए जाते हों, लेकिन आज भी कुछ ऐसे गांव हैं जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, जहां पर आजादी के बाद भी विकास नहीं पहुंच पाया है। उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहती है, गांव के गांव चमका दिए गए हैं। ऐसा हम नहीं, सरकारें और प्रशासन दावा करते हैं, लेकिन अगर हम जमीन की हकीकत से आपको रूबरू करवाएंगे तो गांव में बजबजा रही नालियों और रास्तों पर बह रहे कीचड़ को देखकर आपको सरकारी दावों पर हंसी आने लगेगी। ये रास्ते देखिए और जरा इनसे होकर गुजरने वाले ग्रामीणों का दर्द सोचिए। सालों से ये लोग इसी तरह इसी गंदगी को पार करते हैं और कोई भी अधिकारी इनकी सुध लेने नहीं आता, और इनका दर्द अब और भी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि गांव में बारात आनी है और ऐसे रास्तों से गुजरकर कैसे रिश्तेदार और बाराती घर तक आएंगे। आजादी के 72 वर्षों बाद भी रबन्ना गांव में गांव की एक सड़क नहीं बनी है। गांव के लोग परेशान हैं, बेबस हैं, लाचार हैं, क्योंकि कोई भी अधिकारी जनप्रतिनिधि उनके बीच जाता ही नहीं। हाँ, जनप्रतिनिधियों को जब उनसे वोट लेना होता है तब दिन में, रात में, सुबह में, शाम में बार बार आते हैं और वोट मांग कर वो चले जाते हैं। सीडीओ साहिबा जल्दी से बनवा पाएंगी, क्योंकि गांव के लोग बड़े परेशान हैं। उनकी बदहाली को लेकर मैंने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो आप देखिए। क्या होगा बारात का, क्या होगा? आम गांव के मेहमान आएंगे, मेरे गांव गांव के मेहमान जुड़ेंगे तो कैसे आएंगे? यहाँ बेइज्जती होगी यहाँ तो पक्का, और जब गलहारे में कीचड़ होगी, पानी होगा, तो वो तो बेइज्जती है ही। कहाँ के मेहमान आवे, बहुत बहुत दूर तक के मेहमान आवे, कैसे आएंगे वो? ये जो कीचड़ से भरे रास्ते वाला गांव आप देख रहे हैं, जहां रोड और नाली में अंतर करना मुश्किल हो रहा है, वो रामपुर जिले का रवन्ना गांव है, जहां आजादी के इतने सालों बाद भी सड़क और नालियों जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पाई और लोग इन गंदे रास्तों से गुजर कर खुद को बीमार कर रहे हैं। कितने सालों से ये? कई साल हो गए। कोई अधिकारी आता है यहाँ? कोई नहीं आया अभी तक। बच्चे कैसे निकलते हैं? घर में होकर निकलते हैं। बीमारी फैल रही है? बीमारी तो है ही, बीमार तो है ही घर में। गांव के हालात और दुर्दशा अपने आप ही सारी कहानी बयां कर रहे हैं। गांव के लोगों को सरकारी वादे और दावे हवा हवाई ही नजर आते होंगे, और कब इन लोगों को विकास की सड़क मिलेगी ये तो सवाल बन के रह गया है।
रामपुर से ओमपाल की रिपोर्ट, भारत समाचार। यूपी में हुई बारिश के बाद कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। गांव में पानी भर गया है, आवागमन पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। मजबूरन लोगों को अब नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। यूपी में लगातार हो रही बारिश से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बदायूं के लगभग 36 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए, जिनमें से सहसवान तहसील के सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित गांव परशुराम नगला की तस्वीरें देखकर लग रहा है कि स्थिति वाकई चिंताजनक है। बदायूं के लगभग आधा दर्जन से ज्यादा गांव में पानी घुस गया है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि छोटे से छोटे काम के लिए लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। चारों तरफ पानी पानी है, कोई व्यवस्था नहीं, लैटरिन की कोई बहुत बड़ी परेशानी है, और जहाँ जो फसल थी सब नष्ट हो गई, सवाला सब चले गए पानी। तो कोई सरकारी मदद मिली? नहीं, कोई नहीं मिली है। कल डीएम मैडम भी आई थी, कोई क्या आश्वासन मिला? कुछ नहीं, वो तो ऐसा ही डोल डाले चली गई, क्या यहाँ से निकले वो लोग कहाँ जाए बाहर। वही गांव में पानी भरने की वजह से लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई है। लोगों ने बाढ़ के चलते गाँव से पलायन करना भी शुरू कर दिया है। पहाड़ी इलाकों में बरसात के बाद जो है बदायूं में भी बाढ़ का कहर जो है वो देखने को मिल रहा है, और बदायूं के लगभग 36 गांव जो है वो बाढ़ से प्रभावित है, और गंगा नदी इस समय जो है उफान पर है। आज हम जो है करीब बांध से 1.5 किलोमीटर अंदर का सफर तय कर पहुंचे हैं सहसवान के परशुराम नगला गाँव, और यहाँ जो है परशुराम नगला, खागी नगला और बिरसा नगला, कई बमरौलिया कई गाँव ऐसे जो है बाढ़ की चपेट में आए हुए हैं, लेकिन जो प्रशासनिक दावे हैं वो कहीं ना कहीं हवाई नजर आ रहे हैं। कल जो है जिले की जो प्रभारी डीएम है सीडीओ निशानंद वो भी पहुंची थी, और लगातार यहाँ एसडीएम से लेकर तमाम आला अफसर जो है मौके पर पहुंच जरूर रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों का साफ कहना है कि अभी तक उनको कोई भी किसी भी तरह की मदद नहीं दी गई है, न राशन पानी की व्यवस्था है, न खाने पीने की व्यवस्था है। ये तस्वीरें हैं लखीमपुर की, जहाँ बाढ़ के चलते कई गाँव जलमग्न हो गए हैं। हाल ये है कि लखीमपुर के फूल बेहड़ के मेहंदी में नाव से बारात पहुंची, नाव पर ही दुल्हन की विदाई भी कराई गई। बारात में करीब 30 बाराती नाव पर पहुंचे थे। वहीं अम्बेडकर नगर में भी बाढ़ से हालात बेहद डरावने हैं। घाघरा नदी का जलस्तर और बढ़ गया है। नदी के किनारे रह रहे लोगों में अब दहशत का माहौल है। वहीं जलस्तर को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। स्थिति को देखते हुए 9 बाढ़ चौकियों को अलर्ट किया गया है। इस बार जिस हिसाब से अभी बरसात की शुरुआती दौर है और नदी बहुत तेजी से बढ़ रही है, और इसका जलस्तर बहुत तेजी से ऊंचा हो रहा है, और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो बगल के गांव हैं वो इस बार पानी उस गांव में बहुत तेजी से भरने की संभावना है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए तहसील प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। हमारी 9 बाढ़ चौकियां सक्रिय हैं, तहसील में कंट्रोल रूम सक्रिय कर दिया गया है। हम लोग लगातार ग्राम प्रधानों के संपर्क में हैं, जैसी भी स्थिति है उसको तुरंत हम लोग टैकल करने के लिए तैयार हैं। यूपी के तमाम जिलों में बाढ़ से हालात खराब हो गए हैं। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, और मौजूदा स्थिति को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। प्रेमाफिन डे 3-in-1 कॉन्स्टिपेशन रिलीज, जेंटल इफेक्टिव, और इसकी आदत बिल्कुल नहीं। अब उपलब्ध टेस्टी मिंट और मिक्स्ड फ्रूट फ्लेवर्स में। पिटारा वाली मूंग दाल मुझे भी मिलेगी? हाँ हाँ जरूर मिलेगी, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? आज स्कूल में ऐसे कॉम्पिटिशन था, टॉपिक था योर बेस्ट गिफ्ट इन लाइफ। तो क्या लिखा? मॉम लिखा। पिटारा।